थोड़े दिनों बाद मेरी शादी होने वाली है और उससे पहले मैं चाहता हूं कि अजमिया घर से भाग के मुझसे शादी कर ले। हेलो बॉस, क्या हुआ? सब खैरियत तो है? आपकी फरदीन से बात हुई? नहीं, उसने मुझसे नहीं, भाई से बात की है। मुझसे बात करने से पहले ही वो उनको मना चुका था। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे नहीं लगता फरदीन कभी मेरा पीछा छोड़ेगा। मुझे डर लग रहा है, वो पता नहीं क्या करना चाहता है। उसने क्या बोला है उनसे? उसने भाई को कन्विंस कर लिया है कि नए बिजनेस पे पैसे लगाने के बजाय वो हमारे बिजनेस में पैसा लगा दे, ऐसा ही कहा ना उसने? हाँ, बहुत ही खबीस इंसान है ये। मुझे यहां आना ही नहीं चाहिए था, वहीं रहती तो अच्छा था। कहाँ बॉस? तुम्हारे घर और कहाँ? पैसे नहीं थे मगर सुकून तो था। तुम सही कहते थे, फरदीन कभी भरोसे के काबिल ना था और ना ही है। उसने मुझे वापस बदला लेने के लिए बुलाया। वो हर वक्त अम्मी और भाई के सामने ये साबित करता रहता है कि जैसे मैं बुरी इंसान हूं और वो अच्छा। मुझे नहीं समझ में आता मैं क्या करूं, कहां जाऊं। हर सेकंड ऐसे लगता है कि जैसे मैं मरने वाली हूं, मगर फिर मरती भी नहीं। कोई तरीका नहीं है ना इस मुश्किल से निकलने का। तुम्हारे पास भी कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए खामोश हो। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। नहीं बॉस, यू डू नॉट अंडरस्टैंड। मैं हमेशा से आपके साथ था और हमेशा रहूंगा, और मेरे को बहुत अच्छे से अंदाजा है कि आप बहुत बड़ी मुश्किल से गुजर रही हो बॉस। लेकिन बस मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहता कि आप मजीद मुश्किल में पड़ जाओ। आप समझ रही हो ना बॉस? हाँ, समझ रही हूँ। बस हमें हमें सब्र से काम लेना है और कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा, जरूर निकलेगा। कोई रास्ता नहीं है, किसी भी वक्त उसका दिमाग घूमेगा और बॉस।